संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एम आई ऑडिबल? आवाज साफ सुनाई दे रही है मेरे को? यस सर, यस ओके, धन्यवाद। सर, एमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड फील्ड्स, पार्टिसिपेंट्स, फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, एट द वेरी आउटसेट आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई सिंसियर थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली टू ऑर्गेनाइजिंग टीम और टू ईच एंड एवरी यूनिट एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनाइजेशन for inviting me or for providing me an opportunity to speak in front of you. I am feeling great pleasure. I am directed by Dr. Santosh to speak in both the languages, that is English as well as Hindi, dono bhashaon mein baat karunga, kyunki anusandhan ke kshetra mein, shodh ke kshetra mein kuch aise shabd hain jinko English bhasha mein samajhna zyada aasan hai, to jahan jahan jis bhasha ki aavashyakta padegi us bhasha mein baat karenge. और केवल 50 मिनट आवंटित किए थे संतोष जी ने मुझे, जिसमें से 10 मिनट तो हो चुके हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर ऑल द कॉन्टेंट्स इन द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, इस संक्षिप्त समय में प्रयास करेंगे। एज यू नो, जैसा आप जानते हैं कि आई एम डायरेक्टेड टू स्पीक ऑन द बेसिक्स ऑफ रिसर्च, अनुसंधान या शोध के मूल बातों के बारे में बात करेंगे, और एक 50 मिनट में मूल बातों को भी कवर कर पाना है तो मुश्किल आपका दरिया है। शुरू करते हैं इसको कि द बेसिक्स ऑफ रिसर्च, बेसिक्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय प्रेजेंटेशन, अपने प्रस्तुतिकरण से शुरू करता हूं। संतोष जी, इज इट विजिबल? यस सर, इट इज विजिबल। ओके, थैंक यू। आई डिवाइड माई प्रेजेंटेशन टू डिफरेंट पार्ट्स। पूरे प्रस्तुतिकरण को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है। पहला मीनिंग की बात करेंगे, अर्थ की, केवल 5 मिनट तक। उसके बाद टाइप्स, क्योंकि सभी प्रतिभागी विभिन्न क्षेत्रों से हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का ट्रेंड है, अलग अलग प्रकार का चलन है कि किस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है। तीसरे भाग में बात करेंगे स्टेप्स की, तीसरे भाग में हम बात करेंगे चरणों की, द स्टेप्स टू कंडक्ट रिसर्च, कि अनुसंधान को किन किन चरणों में हमें आयोजित करना चाहिए। एंड द लास्ट पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डेटा एनालिसिस, की विच टेक्निक शुड बी यूज्ड एट विच प्लेस, के किस स्थान पर, किस कंडीशन में, किस परिस्थिति में, किस सांख्यिकीय तकनीक का उपयोग किया जाए, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट, पहले से शुरू करते हैं, मीनिंग ऑफ रिसर्च, अनुसंधान का अर्थ। अनुसंधान के अर्थ के बारे में यदि हम बात करें, तो अगर डिराइव्ड अप्रोच की बात करें, एक शाब्दिक अर्थ की बात करें, हम सब जानते हैं दिस कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, यह दो शब्दों से मिलकर बना, एक आधार बनाने का प्रयास कर रहा हूं, उसके बाद कुछ टेक्निकल बातों की बात करेंगे। एक आधार बनाने का प्रयास मैं कर रहा हूं कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शब्द है री और दूसरा शब्द है सर्च, और इन दोनों शब्दों का अर्थ भी हम सब जानते हैं कि री मीन्स अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट, इट मीन्स टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च। लेकिन एक कंट्रोवर्शियल इशू आएगा यहां पर, जिसको एक प्रूव करेंगे कि ये क्यों है। मान लीजिए अगर हम शुरू करें कि भाई अनुसंधान या शोध कहां से शुरू होता है, व्हाट इज द स्टार्टिंग लाइन ऑफ रिसर्च, तो स्टार्टिंग लाइन हम जानते हैं कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रॉब्लम, एक समस्या से शुरू होती है, एंड इट एंड्स एट सॉल्यूशन, और समाधान तक यह यात्रा घटित होती है। इट मींस रिसर्च स्टार्ट्स फ्रॉम ए प्रॉब्लम एंड एंड्स एट सॉल्यूशन, समस्या से समाधान तक की यात्रा है रिसर्च। हमारे पास एक समस्या है, उसका हमें समाधान मिल गया, तो वो कहानी वहीं समाप्त होनी चाहिए जब समाधान मिल चुका है। जबकि शाब्दिक अर्थ के अनुसार, एज पर द डिराइव्ड अप्रोच, एज पर द डिराइव्ड मीनिंग, टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिसर्च, इट मीन्स कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स ए प्रॉब्लम, किसी भी समस्या का समाधान दोबारा से नई समस्या को जन्म देता है। इसलिए देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन। अब प्रश्न उठा कि व्हाट इज द नीड, छोटा सा एक मान लीजिए कि फर्स्ट क्लास का एक बच्चा है, क्लास में पढ़ने गया और टीचर ने, अध्यापक ने उसको सिखाया एडिशन, जमा करना, और लास्ट में 2-4-5 दिन बाद अध्यापक ने बच्चे का एग्जाम लिया, और एग्जाम छोटा सा था,
20 + 20, बच्चे का उत्तर क्या था? 40, 40. तो क्या इससे अच्छा उत्तर मिल सकता है? भाई वो समस्या है, 20 + 20 प्रॉब्लम है एंड 40 इज द सॉल्यूशन. तो क्या इससे अच्छा सॉल्यूशन कोई दे सकता है? ऊपर से ब्रह्मा जी भी आ जाए, वो भी 20 + 20 = 40 ही कहेंगे. तो लेकिन अनुसंधान के क्षेत्र में ऐसा क्यों कि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स ए प्रॉब्लम? तो अब तक की बातों में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की समस्याएं 20 + 20 = 40, इस प्रकार की समस्याएं और इस प्रकार का समाधान कहलाता है स्टैंडर्ड आंसर्स. बट लेडीज एंड जेंटलमैन, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर. सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर, क्योंकि कोई स्तरीय उत्तर नहीं है, सो देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन, पहली बात. दूसरी बात, यह यात्रा प्रॉब्लम से शुरू हुई एंड दिस एंड्स एट सॉल्यूशन. लेकिन इस यात्रा में स्टार्टिंग लाइन से फिनिशिंग लाइन तक हम विभिन्न गतिविधियां आयोजित करते हैं, और गतिविधियों के समूह को हम कहते हैं प्रोसेस. प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया जहां एक से अधिक गतिविधियां आयोजित की जाए वो कहलाती है प्रक्रिया. तो कुल मिलाकर अनुसंधान या शोध एक प्रक्रिया है. एक परिभाषा का निर्माण करते हैं कि रिसर्च इज ए प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. परिभाषा हुई कि अनुसंधान एक प्रक्रिया है, उसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए. लेकिन वन कंडीशन अप्लाइज, एक शर्त लागू होगी साथ साथ. शर्त कौन सी है? कि वी हैव टू कंडक्ट ऑल द एक्टिविटीज सिस्टमैटिकली. हमें वो सब गतिविधियां सिस्टमैटिक आयोजित करनी है. देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमैटिक? यदि हम सिस्टमैटिक नहीं करेंगे तो क्या रिसर्च नहीं होगी? रिसर्च तो तब भी होगी. सिस्टमैटिक इसलिए करते हैं कि इफ वी डू सिस्टमैटिक एक्टिविटीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मैक्सिमम. एवरी इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू अटेन द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सो वी डू रिसर्च सिस्टमैटिकली. अदरवाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी मिनिमाइज्ड. अब प्रश्न उठा कि सिस्टमैटिक शब्द का अर्थ क्या है? इस सिस्टमैटिक शब्द में दो विशेषताएं छुपी हुई हैं. देयर आर टू इनबिल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन द वर्ड सिस्टमैटिक एंड वी हैव टू अडॉप्ट दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. वन इज सीक्वेंस, एक क्रम. वी हैव टू फॉलो अ सीक्वेंस. सेकंड वन इज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट शुड बी वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड मींस एवरी इंडिविजुअल शुड लीड टू द सेम टाइप ऑफ कंक्लूजन. ऐसा नहीं कि जिसका अर्थ मैं कुछ समझूं, आप कुछ समझे, तीसरा कुछ समझे, चौथा कुछ समझे, उसका अर्थ है दैट इज इल डिफाइंड. तो अब एक परिभाषा का निर्माण कर चुके हैं. परिभाषा है कि रिसर्च इज ए प्रोसेस वेयर एज एक्टिविटीज आर कैरिड आउट. कैसे? सिस्टमैटिकली. क्यों? टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. कि अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसमें कि विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती हैं सिस्टमैटिकली किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए. तो इस यात्रा की पूरी बात करेंगे इस सीमित समय में कि प्रॉब्लम से लेकर सॉल्यूशन तक की जर्नी में, यात्रा में हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उस सब की हम बात करेंगे. लेकिन इसमें ही, अर्थ में ही, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा छूट गया है. वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, उत्पत्ति कहां से होती है? तो अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. संतोष जी को दीपाली जी ने कहा कि भाई बाजार से जाओ सब्जी खरीद के लाओ. समस्या आई ना. समस्या क्यों आई? कि सब्जी नाम की वस्तु मीन्स कोई एक नहीं है, आलू भी है, भिंडी भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा. वेयर देर इज ए चॉइस देर इज ए प्रॉब्लम. जहां चॉइस होगी वहां प्रॉब्लम होगी. लेकिन ये तो एक दैनिक भाषा का एग्जाम्पल था. वेयर देर इज ए वैरायटी देर इज ए प्रॉब्लम. जहां वैरायटी होगी वहां प्रॉब्लम होगी. लेकिन दोनों ही दैनिक भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द है. लेकिन हम तो बात कर रहे हैं रिसर्च की, तो एक नया शब्द है वेरियंस. वेयर देर इज ए वेरियंस देर इज ए प्रॉब्लम. जहां वेरियंस होगा, जहां स्कैटर्डनेस होगी, जहां डिफरेंशिएशन होगा, वहां प्रॉब्लम होगी. लेकिन वेरियंस भी पूर्णतः शब्द है स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का. लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट रिसर्च.
तो एक शब्द आया था, ओरिजिन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज वेरिएबल। आप लिटरेचर रिसर्चेस को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट लिटरेचर रिसर्चेस, वी कंडक्ट रिसर्चेस, चाहे मेडिकल साइंसेस की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग रिसर्चेस की बात करें, चाहे बिजनेस रिसर्चेस की बात करें, चाहे ह्यूमैनिटीज रिसर्च की बात करें, चाहे सोशल साइंस रिसर्च की बात करें, कि एवरी रिसर्चर कंडक्ट द स्टडीज बाय टेकिंग वेरिएबल्स। तो अब वेरिएबल सब्जेक्ट, एक शब्द को जानना अति आवश्यक है कि वेरिएबल इज ए कैरेक्टरिस्टिक दैट हैज द टेंडेंसी टू चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्लेस इंडिविजुअल। वेरिएबल को हिंदी में कहेंगे चर, कि चर वो विशेषता है जो कि समय अनुसार बदलती हो, स्थान अनुसार बदलती हो, व्यक्ति अनुसार बदलती हो। जो स्थान, व्यक्ति और समय अनुसार परिवर्तनशील हो, दैट इज नोन एज वेरिएबल चर। हाइट, वेट, आरबीसी काउंट्स, डब्ल्यूबीसी काउंट्स, एंग्जाइटी, एग्रेशन, डिप्रेशन, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड ए रिसर्चर कंडक्ट द रिसर्च स्टडीज स्पेशली क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो संख्यात्मक अनुसंधान है, वी कंडक्ट बाय टेकिंग वेरिएबल्स। अर्थ के बाद दूसरे भाग पर चलते हैं, सेकेंड पार्ट इज द टाइप्स ऑफ रिसर्च। इस टाइप्स की, अनुसंधान के प्रकारों की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अनुसंधान करने का चलन है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित है, यदि मैं संतोष जी से कहूं कि इनको क्लासिफाई कर दीजिए, इनको विभिन्न वर्गों में बांट दीजिए, तो संतोष जी कह सकते हैं यस सर, मेल्स एंड फीमेल्स। मेरा अगला प्रश्न हो कि क्या यही वर्गीकरण हो सकता है क्या, वो कहेंगे नहीं सर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स वी कैन क्लासिफाई, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसका अर्थ हुआ कि जहां टाइप्स की बात हो, जहां क्लासिफिकेशन की बात हो, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बेसिस डिफरेंट क्लासिफिकेशंस आर पॉसिबल, विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण होता है। अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी ऑथर ने किसी आधार पर वर्गीकरण किया है, किसी दूसरे ऑथर ने किसी अलग आधार पर वर्गीकरण किया है, तीसरे ऑथर ने किसी अलग आधार पर वर्गीकरण किया है, लेकिन जो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, जो कि लेखक ने, ऑथर ने क्लासिफाई किया है, जो कि विभिन्न टाइप्स में, विभिन्न प्रकारों में विभाजित किया है, उसका आधार है मेथडोलॉजी, प्रक्रिया। क्योंकि अलग अलग प्रकार के अनुसंधानों में अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है, तो यदि प्रक्रिया के आधार पर पूरे अनुसंधान के क्षेत्र को यदि हम विभिन्न भागों में विभाजित करें, तो हम केवल 5 प्रकार में विभाजित करते हैं, वी डिवाइड इनटू 5 डिफरेंट क्लासेस, छठी नहीं हो सकती। आप अपना अनुसंधान देख लीजिए, जो कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं, इन 5 में से किसी एक ना एक वर्ग में आएगा। लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट, केस स्टडीज। केस स्टडीज को हम कहेंगे हिंदी में वैयक्तिक अध्ययन। वैयक्तिक अध्ययन मीन्स द स्टडीज, अगर केस स्टडीज के बारे में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि इंडिविजुअल पर हो सकती है, किसी यूनिवर्सिटी पर हो सकती है, तो क्या ये सीमित है 2-4 जगह ही? नो, यदि एक लाइन में परिभाषित करें तो वो होगा द स्टडीज बेस्ड ऑन एनी सोशल यूनिट, द स्टडीज सेंटर्ड अराउंड ए सोशल यूनिट, किसी भी एक सामाजिक इकाई को लेकर उसके ऊपर पूरा अध्ययन उस पर केंद्रित हो, दैट इज नोन एज केस स्टडी। There is a long list of social unit, class, caste, instrument, apparatus, university, college, individual, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि क्या नालंदा विश्वविद्यालय पर केस स्टडी हो सकती है, तो आप में से कुछ कहेंगे हो सकती है, आप में से कुछ कहेंगे नहीं हो सकती, तो लेकिन answer is no, we cannot conduct. Essential is the case should be alive, otherwise that will become historical research. केस वर्तमान में जीवित होना चाहिए, नहीं तो वो कहलाएगा ऐतिहासिक अनुसंधान। अब मैं आपसे अगला प्रश्न पूछूं, क्या सचिन तेंदुलकर पर केस स्टडी हो सकती है? आप कहेंगे हो सकती है। और बीच में यदि केस लुप्त हो गया तो कैन वी कंटिन्यू द स्टडी, क्या हम उस अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं? नो। सेकेंड एसेंशियल इज, दूसरी अनिवार्यता है, द केस should be alive till the completion of the study, अध्ययन के समाप्त होने तक केस वर्तमान एक जिंदा होना चाहिए। Otherwise, in between, we have to change the methodology from case studies to historical research.
out of all five different types of researches, we have discussed about one, that is case studies in detail. Let us proceed to the second. Second type is, अगर दूसरे प्रकार की बात करते हैं, philosophical studies, दर्शन अनुसंधान, philosophical studies. कि what do you mean by philosophical studies? दर्शन अनुसंधान क्या होते हैं? दर्शन अनुसंधान. दर्शन अनुसंधान की यदि हम बात करें, पहले दर्शन को ही समझ लेते हैं. फिलोसफी क्या है? I belong to हरियाणा. मैं हरियाणा से हूं, तो हरियाणा में एक चलन है इस तरह का, दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, अगर वो थोड़ी डिफिकल्ट हो, प्रकृति से थोड़ी जटिल सी बातें हो, तो व्यक्ति कहता है क्यों फिलोसफी झाड़ रहा है. इट मीन्स दैट इज समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर. जो प्रकृति से कुछ जटिल सा हो तो हम मानते हैं कि वो फिलोसफी. नो, फिलोसफी क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिलोसफी? फिलोसफी दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है फिलोसफिकल रिसर्चेस में. फिलोसफी है क्या और फिलोसफिकल रिसर्चेस किस पर आधारित होती हैं? जैसे कि केस स्टडीज किस पर आधारित होती है? सामाजिक इकाई पर, सोशल यूनिट पर, की होल स्टडी सेंटर्ड अराउंड ए सोशल यूनिट. तो मैं पूछूं संतोष जी से, संतोष जी के बारे में किसी एक प्रतिभागी से, कि संतोष जी की फोटो दिखाई दे रही है, इन्होंने शर्ट पहनी हुई है, कैसी लग रही है? एक प्रतिभागी ने कहा कि अच्छी शर्ट है. दूसरे प्रतिभागी ने कहा नहीं, अधूरा आंसर क्यों दे रहे हो, अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है. तीसरा कह रहा है कि नहीं, आप दोनों अधूरा आंसर दे रहे हो, ये तो बहुत ही बहुत अच्छी है. अच्छे से बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छे से बहुत बहुत अच्छा हो सकता है. और मैं कहूं नहीं, द शर्ट इज अल्टीमेट, शर्ट अल्टीमेट, अल्टीमेट मीन्स दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट. तो फिलोसफी क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टीमेट विजन इज नोन एज फिलोसफी. कि ऐसा दूरदृष्टिता, ऐसा दृष्टिकोण स्थापित कर दिया जाए जो कि आज के दिन अल्टीमेट है, दैट इज लास्ट, नथिंग बियॉन्ड दैट, दैट इज फिलोसफी. सो द फिलोसफिकल रिसर्चेस आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ विजन, व्यूज, आइडियाज एंड कंसेप्ट. जो एक आम चलन में जो एक शब्द है जिसका उपयोग किया जाता है, दैट इज नोन एज विजन, दृष्टिकोण, दूरदर्शिता. लेकिन साथ साथ ऑथर्स ने तीन शब्द और जोड़ दिए, देखने को मिलेंगे अलग अलग लिटरेचर में. द स्टडीज बेस्ड ऑन विजन, द स्टडीज बेस्ड ऑन व्यूज, द स्टडीज बेस्ड ऑन आइडियाज, द स्टडीज बेस्ड ऑन कंसेप्ट. पांच प्रकार के अनुसंधानों में से दो की चर्चा हो चुकी है. नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल रिसर्च, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक अनुसंधान. आप यही कहेंगे सभी, द स्टडीज बेस्ड ऑन पास्ट. But, ladies and gentlemen, every past cannot be considered as the part of history. So, historical researches are based on meaningful past. An investigator has to identify ki what is meaningful and what is meaningless. So, he or she has to conduct the studies by adapting, by taking the meaningful past for the betterment of the future. Jiski bhavishya mein koi upyogita ho. लादेन के बारे में आपने सुना, लादेन की हिस्ट्री के बारे में सुना होगा, कितना सहार किया, क्या क्या किया. लेकिन कभी आपने नहीं सुना होगा कि लादेन सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या करता था, लंच में क्या करता था, डिनर में क्या करता था. सिंस दिस इज मीनिंगलेस पास्ट, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, उसकी उपयोगिता नहीं है भविष्य के लिए. अभी तक तीन प्रकार के अनुसंधानों की संक्षिप्त में बात हुई. केस स्टडीज बेस्ड ऑन सोशल नेट, फिलोसफिकल स्टडीज बेस्ड ऑन विजन, व्यूज, आइडियाज, कंसेप्ट. Historical research is based on only meaningful past. लेकिन अब एक चौथे भाग की बात कर रहे हैं, चौथे प्रकार की बात कर रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में. That is known as survey studies, सर्वेक्षण अध्ययन. यदि एक लाइन में परिभाषित करें, the studies based on present status, वर्तमान पर आधारित आंकड़ों पर जो अनुसंधान हम आयोजित करते हैं, that is known as सर्वे स्टडीज, वो कहलाता है सर्वेक्षण अध्ययन. सर्वेक्षण अध्ययन क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, केस स्टडीज आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, फिलोसफिकल रिसर्चेस आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, हिस्टोरिकल रिसर्चेस आर इंडिपेंडेंट इन नेचर, बट देर आर सब टाइप ऑफ सर्वे स्टडीज. सर्वेक्षण अध्ययन के विभिन्न उप प्रकार है. कि सर्वेक्षण अध्ययन विभिन्न उप प्रकारों के आधार पर आयोजित किए जा सकते हैं. एग्जाम्पल, कंपेरेटिव स्टडीज, तुलनात्मक सर्वे, तुलनात्मक सर्वेक्षण. लाइब्रेरीज भरी पड़ी है ह्यूमैनिटीज में, बिजनेस स्टडीज में, मैनेजमेंट में, फिजिकल एजुकेशन में, एजुकेशन में सबसे अधिक होती है.
सर्वे स्टडीज तो आप देखेंगे कि 90% से ज्यादा अधिक अध्ययन आपको सर्वेक्षण अध्ययन की श्रेणी में मिलेंगे। शहरी ग्रामीण का तुलनात्मक अध्ययन, आर्ट्स कॉमर्स साइंस के विद्यार्थियों का तुलनात्मक अध्ययन, महिलाओं पुरुषों का तुलनात्मक अध्ययन, इस प्रकार के अध्ययनों की भरमार है। अगला है रिलेशनशिप स्टडीज, सह संबंधात्मक अध्ययन, वी एस्टेब्लिश कंपैरिजन कहां होगा, वी कंपेयर इन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, मे बी टू और मोर देन टू, बट इन रिलेशनशिप स्टडीज वी एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशनशिप बिटवीन एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क ऑफ कैंसर एंड लाइफस्टाइल, जीवन शैली और कैंसर के जोखिम का के बीच सहसंबंध, इस प्रकार के हम अध्ययन आयोजित करते हैं। नेक्स्ट वन इज, लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन वन मोर थिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप स्टडीज वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सहसंबंधात्मक अध्ययन के आधार पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्थापित नहीं कर सकते। क्यों? मान लीजिए आप में से किसी ने ठाना एक प्रॉब्लम ली और उसको लेकर आपने अध्ययन किया और प्रॉब्लम थी, टाइटल था रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड साइज ऑफ शू, जूते के आधार का बौद्धिक क्षमता के साथ सहसंबंध, और बाय चांस वो रिलेशनशिप पॉजिटिव आ गया, तो बड़ी इलॉजिकल फाइंडिंग होगी कि जिसको बौद्धिक क्षमता बढ़ानी है जूते इसका साइज बढ़ा दीजिए। दीज टाइप्स, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दीज टाइप्स ऑफ फाइंडिंग्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप स्टडीज वी कैन नॉट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वी हैव टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर दैट। अगला हो सकता है सर्वेक्षण, अगले प्रकार का सर्वेक्षण हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्वे मे बी प्रेडिक्शन स्टडीज। प्रेडिक्शन मींस भविष्यवाणी, कि द इन्वेस्टिगेटर प्रेडिक्ट अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन, क्या होता है कैसा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, घर में किसी एक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, बेटा बेटा था, समाज में बेटा जन्म लेता तो जश्न का माहौल है, सारे रिश्तेदार इकट्ठे हैं, जश्न मनाया जाना है, दादा दादी नाना नानी मामा मामी सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए, सब रिश्तेदार इकट्ठे हुए तो उस महिला ने कहा, एक जिसने बच्चे को जन्म दिया, उस महिला की एक पड़ोस में एक दोस्त थी, वो भी आई हुई थी, वो भी बधाई देने के लिए आई हुई थी, जो वो बधाई दे रही थी तो वो घूर कर उस बच्चे को देख रही थी और उस महिला को देख रही थी। तो उसने, जिस महिला ने बच्चे को जन्म दिया था, उस महिला के कान में कहा कि आप बड़ी भाग्यशाली हैं। उन्हें उसने पूछा कि भाई कैसे भाग्यशाली हूं, तो उसने कहा कि आपका बेटा बड़ा होकर 6 फुट का बनेगा। ऐसी कौन सी अंतर्यामी थी, क्या नया किया, दादा दादी नाना नानी मामा मामी सब लंबे हैं तो लंबा होना ही है। शी प्रिडिक्टेड अननोन ऑन द बेसिस ऑफ नोन, ज्ञात के आधार पर अज्ञात की। हर क्षेत्र में, मेडिकल साइंसेज में प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ कैंसर ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल, प्रिडिक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ डायबिटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, इस प्रकार के अध्ययन आयोजित किए जा सकते हैं। एंड प्रिडिक्शन स्टडीज आर कंसिडर्ड एज द बेस्ट टाइप ऑफ सर्वे, प्रिडिक्शन स्टडीज बेस्ट टाइप ऑफ सर्वे कहलाते हैं, सबसे अच्छे प्रकार का सर्वेक्षण अध्ययन कहलाते हैं प्रिडिक्शन स्टडीज। और भी हो सकते हैं डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शंस। अब अंतिम भाग की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात, एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक अध्ययन। प्रायोगिक अध्ययन मीन्स द स्टडीज बेस्ड ऑन फ्यूचर, भविष्य बताएगा कि भविष्य के गर्भ में क्या है। कि भी कुल मिलाकर यदि एक लाइन में कहें तो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरिएंस एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर वेरिएंस। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, सिंगल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स भी हो सकते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस का जो कि एक जो बेस्ट डिजाइन है, रेंडम ग्रुप डिजाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, जिस डिजाइन की उत्पत्ति हुई वो एक लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल के आधार पर हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि एक्सपेरिमेंटल स्टडीज में कोई भी अनुसंधान करता इंटरेस्ट रखता है उसको ये ज्ञान होना चाहिए। ये उत्पत्ति दी जॉन स्टुअर्ट ने, कंसेप्ट दिया, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन एज द लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल। इस लॉ को जानना जरूरी है कि लॉ कहता है इफ द टू सिचुएशंस आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट, यदि दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, इफ वन एलिमेंट इज एडेड टू वन नॉट टू अनदर, और इफ वन एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नॉट फ्रॉम अनदर, इफ द डिफरेंस एग्जिस्ट दैट इज ड्यू टू एडेड एलिमेंट और सब्ट्रैक्टेड एलिमेंट। सामान्य सी भाषा में, हिंदी में,
दो दशाएं पूर्ण रूप से समान है, यहां दो दशाओं से का अर्थ है एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, कंट्रोल ग्रुप है। यदि एक को कुछ दिया जाए दूसरे को नहीं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट दिया जाए, कंट्रोल ग्रुप को कुछ ना दिया जाए, और इफ वन एलिमेंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नॉट फ्रॉम अनदर, या कुछ निकाला जाए दूसरे से नहीं, यदि दोनों के बीच में अंतर आता है दैट इज ड्यू टू एडिड एलिमेंट और सब्ट्रैक्टेड एलिमेंट। इस लॉ ऑफ सिंगल जो कि जॉन स्टुअर्ट ने 1872 में जो ये कंसेप्ट दिया लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल का, इस यहां पर कंट्रोल ग्रुप का कंसेप्ट आया, तो जो कि दैट इज नोन एज द ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन, रैंडम ग्रुप डिजाइन और प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। तो ये बात थी अभी तक के क्लासिफिकेशन की। अब अगले भाग की तरफ चलते हैं, स्टेप्स, चरण, सभी चरणों का की विस्तार से, क्योंकि अनुसंधान की मूल बातों की बात कर रहे हैं। अभी तक केवल दो बातें हमारी हुई हैं कि रिसर्च के अर्थ को जाना, अनुसंधान के अर्थ को जाना, और दूसरा एक पांच विभिन्न प्रकार की अनुसंधानों को जाना, केस स्टडीज कैसे होती हैं, क्या होती हैं, फिलोसफिकल स्टडीज कैसे होती हैं, हिस्टोरिकल रिसर्चेज का क्या कंसेप्ट है, सर्वेक्षण अध्ययन का क्या कंसेप्ट है, और सर्वेक्षण अध्ययन भी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटल स्टडीज की बात हुई। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि यही केवल पांच प्रकार के अनुसंधान हैं। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, कुछ लेखकों ने, कुछ ऑथर्स ने क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ डेटा, आंकड़ों के स्रोतों के आधार पर, और आंकड़ों के स्रोतों के आधार पर दो ही हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज और क्वालिटेटिव रिसर्चेज। आप में से कुछ लिटरेचर की भी होंगे कि द इंडिविजुअल्स और द रिसर्चर्स फ्रॉम द लैंग्वेजेस दे कंडक्ट क्वालिटेटिव रिसर्चेस, संख्यात्मक और गुणात्मक अनुसंधान, लेडीज एंड जेंटलमैन, क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स एंड क्वालिटेटिव रिसर्चेज आर कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन अ न्यूमेरिक वे, जो कि एक न्यूमेरिक आंकड़ों में इसका मापन नहीं हो सकता। आप में से मान लीजिए वॉलीबॉल खेल रहे थे संतोष जी, कमर में जर्क लग गया, डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने पूछा कि दर्द कितना है, व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ पेन, तो संतोष जी ये तो नहीं कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर पेन है या 2 किलो पेन है या 1 क्विंटल पेन है। ही विल एक्सप्रेस, सर आई हैव वेरी हाई पेन, मीडियम पेन, लो पेन, वी हैव टू एक्सप्रेस इन ऑर्डर, मे बी असेंडिंग ऑर्डर, मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं पूछूं कि व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ योर फ्रेंड, आप कहेंगे नहीं कि 3 किलो ब्यूटी है, आप कहेंगे ही हैज और शी हैज अबव एवरेज ब्यूटी। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स, दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन ए क्वांटिटेटिव वे, सीवियरिटी ऑफ पेन, ब्यूटी एक्सेट्रा। तो ये कंसेप्ट था क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का। कुछ ऑथर्स ने एक और कंसेप्ट दिया है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, किसी का स्कोप कम है, किसी का मीडियम है, किसी का हाई है, मीन्स एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च, लेकिन उसको छोड़ते हैं। अब स्टेप्स की बात करते हैं। तो यहां एक मेरा उद्देश्य था कि हमने केवल एक वर्गीकरण की बात की है और उस वर्गीकरण का आधार था मेथोडोलॉजी, प्रक्रिया। अब बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अब कुछ आपको कहेंगे कि सिलेक्शन द प्रॉब्लम, नो, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। हो सकता है प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, हमें प्रॉब्लम की, समस्या की पहचान करना आना चाहिए। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम में का पार्ट क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट द वेरिएबल्स, वी हैव टू फ्रेम द टाइटल एंड वी हैव टू फॉर्मुलेट द ऑब्जेक्टिव। फॉर्मुलेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इन ए प्रॉपर वे। अगला है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, की परिकल्पना का निर्माण। परिकल्पना का निर्माण कैसे, उससे पहले परिकल्पना को जान ले। तो परिकल्पना के बारे में एक अनुसंधानकर्ता यही मानता है कि प्री अजम्पशन अबाउट एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या का अनुमानित उत्तर। लेकिन आपको ध्यान रहे, प्रत्येक अनुमानित उत्तर हाइपोथेसिस नहीं हो सकता, परिकल्पना नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि दोनों कोई हस्बैंड वाइफ संतोष जी और दीपाली जी को भूतकाल में प्रवेश करवाते हैं, दोनों मास्टर डिग्री कर रहे हैं, दोनों का ही कल एग्जाम है, दीपाली जी हनुमान जी की भक्त है,
और उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति के सामने 50 अगरबत्ती जला डाली सुबह से, क्योंकि कल एग्जाम है और क्वेश्चंस पूरे तैयार हैं, रजिस्टर पूरा नोट तैयार है, और आखिरी में फैसला कर रही हैं, आखिरी में डिसीजन ले रही हैं, निर्णय ले रही हैं, आंख बंद करके रजिस्टर ओपन करके राम 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 राम, क्योंकि हनुमान जी राम के भक्त थे, और एक उंगली लगाई, एक प्रश्न आएगा, ये प्रश्न आएगा, और ऐसे ही 5 प्रश्न तैयार करके एग्जाम में अपियर होगी। ये भी तो एक एजम्पशन है। संतोष जी ने पिछले 5 साल के पेपर्स लिए, अब ये आया था, अब ये आया था, ये आया था, ये ट्रेंड अभी आने की संभावना है। सेकेंड टाइप ऑफ अजम्पशन कैन बी कंसिडर्ड एज हाइपोथेसिस, फर्स्ट टाइप ऑफ अजम्पशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज हाइपोथेसिस। इसका अर्थ हुआ एक नया कंसेप्ट है, न्यू कंसेप्ट इज ओनली इंटेलिजेंट अजम्पशंस आर नोन एज हाइपोथेसिस, वी हैव टू फ्रेम इंटेलिजेंटली, ये ध्यान रहे। और वो भी हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, नो दीज आर नॉट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, ये परिकल्पनाओं के रूप हैं। प्रकार तो दो थे पहले, लेकिन एक नया कंसेप्ट भी ऑथर्स ने दिया है, अनुसंधानकर्ताओं ने दिया है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, रिसर्च हाइपोथेसिस एंड ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, तीनों का कंसेप्ट अपना है, और तीनों ही दोनों रूपों में हो सकती है, इन नल फॉर्म एज वेल एज इन अल्टरनेट फॉर्म। इसलिए ध्यान रहे कि आज के दिन अनुसंधानकर्ता को जिस परिकल्पना का निर्माण करना चाहिए वो होनी चाहिए ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। सो वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट द ऑपरेशनल हाइपोथेसिस, इट मींस दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्टडी, जो केवल आपके प्रॉब्लम के लिए ही बनी है ऑपरेशनल। इसके बाद डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, पॉपुलेशन से किसके रूप में सैंपल लेकर, क्यों सैंपल पर आधारित, क्यों, क्योंकि हम मानते हैं कि सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, सैंपल एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर मैं एक बात आपसे कहूंगा, संतोष जी ने मान लीजिए स्टडी आयोजित की और उनका पॉपुलेशन का साइज है मान लीजिए 5000, और 5000 से इन्होंने 100 सैंपल्स लिए, 100 सैंपल लेकर, 5000 से 100 सैंपल लेकर उन्होंने मीन निकाला, मान लीजिए कि ब्लड प्रेशर का मीन निकाला और मीन पूरे 100 सैंपल्स का आया 80। संतोष जी को संतोष जी के महाविद्यालय ने लग्जरी प्रदान की कि संतोष जी रिपीट द स्टडी, उन्होंने जो 5000 से 100 सैंपल लिए थे उनको वापस मिला दिया, रेंडमली दोबारा निकाला, उसी विधि से निकाला जिस विधि से पहले निकाला था। क्या उनका ब्लड प्रेशर का मीन जो पहले 80 आया था सेम आएगा? नो, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर क्या, तो फिर कैसा रिप्रेजेंटेशन? एक तरफ हम कह रहे हैं कि सैंपल रिप्रेजेंट द एंटायर पॉपुलेशन, और इसी तरह की लग्जरी प्रदान की संतोष जी को उनके महाविद्यालय ने 10 बार, और 10 बार ही जो पॉइंट एस्टिमेट है, मीन है, वो 10 बार अलग अलग आएगा। इसका मतलब हुआ कि वो क्या एक्यूरेसी कि रेंडमली हमने उसी 5000 से 100 सैंपल्स रेंडमली लिए और 10 बार रिजल्ट्स अलग अलग आए, तो कैसा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन कैसा? जबकि वहां कंसेप्ट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का, और सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि मीन ऑफ ऑल रिपीटेड मीन्स, जो इस हाइपोथेटिकल एग्जांपल में, इस परिकल्पनापूर्ण उदाहरण में 10 बार था, उस 10 मीन का मीन प्रिसाइज और एक्यूरेट रिजल्ट देगा। क्या व्यवहारिक रूप से इज इट पॉसिबल प्रैक्टिकली, क्या ये प्रैक्टिकली संभव है? इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। तो समाधान चाहिए, समाधान है, द सॉल्यूशन इज कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। संक्षिप्त में, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल वी कैन टेस्ट द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स, वी कैन टेस्ट द क्वालिटी ऑफ अवर रिजल्ट्स। और एक्सप्रेसिव भाषा में कॉन्फिडेंस इंटरवल इज इंटरवल अबाउट दैट वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट द रिजल्ट्स। एक और बात इसमें डेटा कलेक्शन में, तो हम कहते हैं कि डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, हम पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं बाय यूजिंग रैंडम सैंपलिंग, हो सकती है स्ट्रेटिफाइड रैंडम हो सकती है, सीक्वेंशियल हो सकती है, क्लस्टर हो सकती है, मल्टी स्टेज हो सकती है, दुनिया भर की हो सकती है। एक शब्द आपने सुना होगा फ्रेम, हम कहते हैं फोटो फ्रेम, फोटो फ्रेम मीन्स बाउंड्री, फोटो फ्रेम। इसी तरह पॉपुलेशन का भी फ्रेम होता है, पॉपुलेशन फ्रेम मीन्स, यदि हम कहें कि उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों पर अध्ययन, तो उत्तर प्रदेश के सभी खिलाड़ी
दैट इज नोन एज फ्रेम। मैं आपसे पूछूं, क्या जिस अध्ययन को आप ले रहे हैं या लेने वाले हैं उसके फ्रेम का ज्ञान आपको होगा या नहीं होगा? तो आप में से अधिकतर कहेंगे ना फ्रेम का ज्ञान होना चाहिए। नो, हमेशा जरूरी नहीं है कि फ्रेम का हमें ज्ञान हो। कानपुर के जेब कतरों पर अध्ययन, 5 जेब कतरे आपको मिल गए, पिक पॉकेटर्स मिल गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि 5 ही हैं। कोई नहीं बताएगा कि आई एम पिक पॉकेटर्स, लुप्त बहुत रहेंगे, छुपे हुए बहुत रहेंगे। तो फ्रेम, चंबल के डाकुओं पर अध्ययन, अगर 5 डाकुओं से आपका संपर्क हो गया, 10 डाकुओं से संपर्क हो गया, इसका अर्थ ये नहीं कि 10 ही हैं, और भी हो सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ फ्रेम मे बी नोन, फ्रेम मे नॉट बी नोन। यदि फ्रेम का ज्ञान है उस दशा में तो हम प्रोबेबिलिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान रखिए, यदि फ्रेम का ज्ञान है उस दशा में तो हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का उपयोग करेंगे। जहां फ्रेम का ज्ञान ना हो वहां नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक का हमें यूज करना चाहिए, स्नोबॉल सैंपलिंग, कन्वीनियंट सैंपलिंग, ये सब एग्जांपल्स हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भाग तो मेरे प्रेजेंटेशन का है, ये सब बातें थी, कोई नई नहीं है, हो सकता है अब कुछ नई बातें आपको मिले। एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वी ड्रॉ इन्फ्रेंसेस बाई यूजिंग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, विभिन्न सांख्यिकीय तकनीकों के उपयोग के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक नया कंसेप्ट डेटा एनालिसिस का, डेटा एनालिसिस के लिए हमें चाहिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम दो विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। इसको संतोष जी 10 मिनट ले लूं ना, 10-15 मिनट, जी सर बिल्कुल बिल्कुल, इसी में बता दीजिए उसे, जी सर ले सकते हैं आप। ठीक, 10 मिनट, हाँ 10 मिनट में समाप्त करने का प्रयास करूंगा। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, बात हो चुकी है कि वी ड्रॉ इन्फरेंसेस बाय यूजिंग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड वी डिवाइड ऑल इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक। हम मीन्स अनुसंधानकर्ता, मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, हमसे मेरा अर्थ है अधिकतर अनुसंधानकर्ता, दे अप्लाई डायरेक्टली पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, बट सम अजम्पशंस शुड बी फुलफिल्ड, कुछ अजम्पशंस फुलफिल होने चाहिए बिफोर अप्लाइंग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, एंड दीज अजम्पशंस आर नॉर्मलिटी, द डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पहला स्टेप तो यही होना चाहिए किसी भी अनुसंधानकर्ता का कि वी शुड टेस्ट द नॉर्मलिटी, क्योंकि हमें निर्णय लेना है कि वेदर वी हैव टू अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स और वी हैव टू अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स, हमें ये निर्णय लेना है। तो दूसरा अजम्पशन है स्केल ऑफ मेजरमेंट, टू अप्लाई पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स द स्केल ऑफ मेजरमेंट शुड बी इन इंटरवल और रेशियो स्केल, और दूसरी तरफ नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक कैन बी अप्लाइड इन एनी स्केल ऑफ मेजरमेंट और एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट को के मापन के लिए तो हमें किसी टूल की आवश्यकता नहीं, लेकिन डेटा की नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए वी रिक्वायर स्पेसिफिक टेक्निक्स, हमें विशेष तकनीक चाहिए जिस तकनीकों के आधार पर हमें टेस्ट करना है, परीक्षण करना है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। लेकिन थोड़ा सा स्केल ऑफ मेजरमेंट के बारे में भी जान लेते हैं। देयर आर 4 स्केल ऑफ मेजरमेंट्स। फर्स्ट वन इज नॉमिनल स्केल। Nominal scales means when the available data is in frequency and counts. जो हमारे पास available data है वो frequency या counts में हो। Number of males, number of pass, number of agree, number of disagree. Number of males 20 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। Number of males 20.6 तो नहीं हो सकते। It will be a discrete series. It will be a whole number. Next one is an ordinal scale. I have given 2 examples. Severity of pain, we have to measure in order, means by the help of quartiles, by the help of deciles, by the percentiles. Next one is interval scale. Interval scale means having same intervals in between but has no fixed zero. Beech mein saman antaral hai, lekin fixed zero nahi hai. Aggression. Maan lijiye do vyakti hain, ek aggression 20 hai, b ka aggression 40 hai. 20 or 40, hum kahenge dusre ka just double hai. No, we cannot say. Aggression का origin नहीं पता, we do not have an idea about the origin of aggression. यह hypothetical example, दो का व्यक्ति है, 4 फुट का व्यक्ति है, तो हम कह सकते हैं, yes, just double लंबा है,
क्योंकि हाइट हैज इफेक्ट जीरो, एग्रेशन का इफेक्ट जीरो नहीं है. तो व्हेन देयर आर सेम इंटरवल इन बिटवीन बट हैज नो फिक्स जीरो, दैट इज द एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल. और दूसरा है रेशियो स्केल, अगला है रेशियो स्केल, मींस हैविंग सेम इंटरवल्स इन बिटवीन बट हैज फिक्स जीरो, हाइट इज द एग्जांपल ऑफ रेशियो स्केल. लेकिन बात हम कर रहे थे कि कब पैरामेट्रिक स्टैटिसटिक्स का उपयोग होगा, कब नॉन पैरामेट्रिक का होगा. इन केस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पैरामेट्रिक स्टैटिसटिक्स एट लीस्ट इंटरवल और रेशियो स्केल इज रिक्वायर्ड. यदि पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग करना है, पैरामेट्रिक टेक्निक की श्रेणी का की टेक्निक का उपयोग करना है, उस दशा में स्केल ऑफ मेजरमेंट कम से कम इंटरवल या रेशियो स्केल हो, हम नहीं लगा सकते, नहीं अप्लाई कर सकते, नहीं उपयोग कर सकते नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल में. अब एक अंतिम भाग में ले लेता हूं, हाउ टू टेस्ट द नॉर्मलिटी. इसको वेरिएबल के कंसेप्ट को छोड़ते हैं. हाउ टू चेक द नॉर्मलिटी, हाउ टू चेक द नॉर्मलिटी, एक लेटेस्ट कंसेप्ट. तो नॉर्मलिटी चेक करने की तीन विधियां हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, ग्राफिकल मेथड है और फॉर्मल टेस्ट. तीन ही विधियां हैं, चौथी विधि नहीं है नॉर्मलिटी को चेक करने के लिए. क्यों कर रहे हैं नॉर्मलिटी चेक? हमें निर्णय लेना है कि हमें पैरामेट्रिक लगाना है, नॉन पैरामेट्रिक टेक्निक का उपयोग करना है. डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, तो आप कहेंगे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन. No, all descriptive measures are not required. Out of all descriptive measures, to test the normality, only four measures are required. First one is skewness, that measures the symmetricity of the curve. Second one is standard error skewness. Third one is kurtosis, that measures the flatness of the curve. And the fourth one is standard error of kurtosis. विचार है तो skewness की values के standard error से कम हो, kurtosis की values के standard error से कम हो. On the basis of that, we can test the normality. Next one is graphical method, the QQ plots. QQ plot is a graphical method that is used to test the normality. Graph mein kya hota hai? We have two axes, x-axis and y-axis. A standard line is generated and all the scores should be scattered near to this line. Yadi ek line hai graph mein, that is known as QQ plot. To us line ke aaspaas sare scores scattered hone chahiye. If the scores are scattered away from the standard line, it means non-normality is there. We cannot apply parametric statistics. Third one is formal test. Lambi suchi hai formal test ki. I will not discuss about all formal tests. Formal test mein char test hai aapke saamne. Kolmogorov-Smirnov test, Shapiro-Wilk test, Anderson-Darling test and Rayan-Joanna test. दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स हैं, बाय यूजिंग दैट वी कैन एनालाइज, वी कैन डू द डिस्क्रिप्टिव, वी कैन फाइंड आउट द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, वी कैन जनरेट द ग्राफिकल मेथड दैट इज क्यूक्यू प्लॉट आल्सो, एंड वी कैन अप्लाई फॉर्मल टेस्ट आल्सो, मे बी केएसटी, एसडब्ल्यूटी, एडीटी एंड आरजेटी. लेकिन जो एसपीएसएस में केवल केएसटी और एसडब्ल्यूटी, कोलमोगोरोव-स्मिर्नोव टेस्ट और शापिरो-विल्क टेस्ट की सुविधा हम एसपीएसएस प्रदान करता है, लेकिन जो एडीटी, एंडरसन डार्लिंग टेस्ट और रेयान-जोआना टेस्ट, इनकी सुविधा हमें दूसरे सॉफ्टवेयर्स प्रदान करते हैं. एग्जांपल के तौर पर मिनी टैब, और भी बहुत सॉफ्टवेयर्स हैं, स्टैटिस्टा है, स्टैटिस्टिका है, दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स है जो प्रचलन में है. जबकि ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की सुविधा तो हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी प्रदान करता है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक की चर्चा तो ये हुई कि वी हैव थ्री डिफरेंट मेथड्स टू टेस्ट द नॉर्मलिटी, डिस्क्रिप्टिव, ग्राफिकल और फॉर्मल टेस्ट. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, टेस्टिंग नॉर्मली डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज. सैंपल साइज मींस जो पुराना कंसेप्ट था, स्मॉल सैंपल मींस लेस देन 30 कंसीडर्ड एज ए स्मॉल सैंपल. यदि 30 से अधिक सैंपल्स के आधार पर कर रहे हैं कि स्मॉल सैंपल की श्रेणी में. लेकिन एक कंसेप्ट आया मॉडरेट सैंपल साइज, इफ वी कंडक्ट द स्टडी इन बिटवीन 30 to 100, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मॉडरेट सैंपल साइज. एंड लास्ट वन इज लार्ज सैंपल, 100 एंड अबव 100 कंसीडर्ड एज ए लार्ज सैंपल. पहले जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट वाज स्मॉल सैंपल लेस देन 30, 30 एंड अबव कंसीडर्ड एज लार्ज सैंपल. दिस कंसेप्ट हैज बीन चेंज्ड बाय द स्टैटिस्टिशियंस. इंस्टेड ऑफ दीस टू कैटेगरीज, नाउ द कैटेगरीज आर थ्री, दैट इज small sample, moderate sample and large sample. It means that testing normality for small sample will be different, testing normality for moderate sample will be different, testing normality for large sample will be different.
तो माय लास्ट टू मिनट्स, आखिरी दो मिनट में संक्षिप्त में मैं प्रस्तुतिकरण करता हूं कि स्मॉल सैंपल की टेस्टिंग कैसे होगी, मॉडरेट सैंपल की कैसे होगी, लार्ज सैंपल की कैसे होगी. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट स्मॉल सैंपल्स. देयर इज नो नीड टू टेस्ट. ऑलवेज अज्यूम दैट डेटा इज नॉन नॉर्मल एंड डायरेक्टली अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. बट दिस इज एक्सेप्शनल इन केस ऑफ कंट्रोल स्टडीज, इन केस ऑफ मेडिकल साइंस स्टडीज. Second point, how to test the normality of moderate sample size? It means it between 30 to 100. How many techniques we have? Three. Descriptive, graphical method and formal test. First apply formal test. Formal test ka uttar kya aayega? Do hi to uttar aayenge. Normal or non-normal. Yadi formal test kehta hai ki non-normal hai, accept the result. There is no need to cross test and apply non-parametric. Aur wo, if wo kehta hai ki normal hai, in that case, 100% do not rely on formal test. Cross test by using remaining two methods. Descriptive, graphical, tino hi moderate sample size mein kahe normal tabhi accept kijiye. Otherwise apply non-parametric. Now third point, testing normality of large sample. Out of all these three, tino mein se hi descriptive, graphical, formal. First apply formal test. What will be the answer? उत्तर क्या होगा? नॉर्मल है या नहीं है? यदि कहता है नॉर्मल नहीं है, मॉडरेट सैंपल में नॉर्मल नहीं है कहा था, तो क्या किया था? वी क्रॉस टेस्टेड. हियर देयर इज नो नीड टू क्रॉस टेस्ट. वो कहते हैं कि नॉर्मल है, रिलाय 100% रिलाय ऑन दिस. क्यों? कि दीज फॉर्मल टेस्ट आर वेरी एक्यूरेट इन केस ऑफ लार्ज सैंपल एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव इन केस ऑफ मॉडरेट सैंपल साइज. क्योंकि ये लार्ज सैंपल को ध्यान में रखकर ही इनकी संरचना की गई है. अगर वो कहते हैं कि नॉन नॉर्मल है, तो लार्ज सैंपल की दशा में नॉन नॉर्मलिटी की संभावना बहुत कम होती है. यदि नॉन नॉर्मल कहता है, देन क्रॉस टेस्ट बाय रिमेनिंग टू मेथड, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड ग्राफिकल मेथड. तो हो सकता है कोई आउटलायर्स हो, कोई एक्सेप्शनल स्कोर हो. उस एक्सेप्शनल स्कोर ने, उस आउटलायर्स ने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का कबाड़ा कर दिया हो, तो वो कोई अनएथिकल इशू नहीं है. वो अनएथिकल इशू नहीं है, उसमें आउटलायर्स को रिमूव कर दीजिए. आउटलायर्स को रिमूव करके आप स्टडी को कर सकते हैं. वी कैन रीटेस्ट द नॉर्मलिटी ऑफ डेटा बाय यूजिंग दीज थ्री मेथड्स, वो भी कर सकते हैं. और जो नए कंसेप्ट हैं, अगर हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आयोजित करते हैं, उस क्वांटिटेटिव रिसर्चेज में यदि हम क्वांटिटेटिव रिसर्चेज आयोजित करते हैं उस दशा में हमें इफेक्ट साइज कैलकुलेट करना चाहिए. पहले मैं बता चुका हूं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का उपयोग भी करना चाहिए, और पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक की उपयोगिता के बारे में कि टेस्टिंग के बाद ही करना चाहिए. अदरवाइज वी कैन नॉट जनरलाइज द रिजल्ट्स. और डिजाइन अभिकल्प की बात करें, जो प्रायोगिक अभिकल्प या एक सर्वेक्षण के अभिकल्पों की बात करें, रिसर्च डिजाइन की बात करें, शोध अभिकल्पों की बात करें, वी शुड कंडक्ट अवर स्टडीज बाई टेकिंग एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन. एक एप्रोप्रिएट रिसर्च डिजाइन के आधार पर ही हमें अपने अध्ययन करने चाहिए. मैं संतोष जी का धन्यवाद देता हूँ. समय तो बहुत कम था, अभी तो एक एक अनुसंधान की मूल बातों को एक सीमित समय में, वो भी इतने कम समय में बताना बहुत मुश्किल काम तो है. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट. नाउ एक्सप्रेस माई अगेन सिंसियर थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स. Your questions are invited. आपके प्रश्न आमंत्रित हैं. किसी भी प्रकार के आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं. Over to Santosh ji. Thank you, sir. Thank you so much for an enlightening and informative lecture on the right way to understand the research. निश्चित रूप से बहुत सीमित समय हमारे पास था, और रिसर्च और स्टैट को जिस तरह से आपने बताया है, जो भी उसके स्टेप्स हैं या जिस तरह से आपने उसे डिक्टेट किया, निश्चित रूप से हमारे सभी सुनने वालों के लिए कम से कम एक उनके लिए एक पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो गई है. बाकी अगर कुछ और प्रश्न हैं, या हमारे विद्यालय के हमारे विद्यार्थियों के बीच, या जो हमारे सुनने वाले हैं, निश्चित रूप से मुझे ये लगता है कि शायद एक लेक्चर में अभी कुछ बात पूरी हो नहीं पाई है आपकी. निश्चित रूप से हम आगे भी और लेक्चर चाहेंगे. एंड यस, डेफिनेटली देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इज बीन आस्क्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑन द यूट्यूब. Sir, am I allowed to ask some of the questions? Yeah, jaroor, jaroor. Yes, sir. Sir, Dr. Alok Pandey ji ka prashna hai. If the study is going on particular institution, then which type of study it will be?
If the study centered around that institution, that will be considered as a case study. Yani ki the institution will be considered as a case. But you are going to collect data in different way from the institution. That will be considered as a survey study. That will depend on the nature of the study. What type of study you want to conduct? Yes, yes. So the next question is from Atul Bhaskar ji ki taraf se prashn hai. Anusandhan ek satat prakriya hai. Kya koi bhi anusandhan ke parinam antim ho sakte hain athwa ise kabhi bhi naye sire se prarambh kiya ja sakta hai? Kya naam bataya aapne? Ji Atul Bhaskar. Atul Bhaskar ji. अतुल भास्कर जी, इसकी आपके प्रश्न की चर्चा में पहले कर चुका हूं कि इन द फील्ड ऑफ रिसर्च देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर, और मैंने बहुत ही एक प्रभावशाली आवाज के साथ कहा था कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंस देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, सो देयर इज अ नीड टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन. वही शाब्दिक अर्थ था रिसर्च, टू फाइंड आउट अगेन एंड अगेन. जो आपका जो प्रश्न है इसी वो उसी आधार पर है कि देयर इज नो स्टैंडर्ड आंसर. यस, वी कैन कंडक्ट इन अनदर वे, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम अगेन बिकम्स ए प्रॉब्लम. किसी भी समस्या का समाधान नई समस्या को जन्म देता है, और वो जब नई समस्या को जन्म दे देता है तो इसका अर्थ उसका समापन नहीं हुआ. थैंक यू सर. थैंक यू सर. द लास्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग डॉक्टर गोपाल कुमार जी का प्रश्न है. मेरी जिज्ञासा यह है कि एक ही विषय या एक ही टॉपिक पर कितनी बार शोध की संभावना कायम रहती है, या एक ही टॉपिक पर अधिकतम कितनी बार शोध किया जा सकता है? क्या नाम बताया आपने इनका? डॉक्टर गोपाल कुमार जी. डॉक्टर गोपाल कुमार जी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इस प्रश्न के आधार पर जो मैं उत्तर दूंगा वो एक सबके लिए बहुत एक मैसेज है. एक वर्गीकरण की हमने बात नहीं की, हमने तो केवल ऑन द बेसिस ऑफ मेथोडोलॉजी हमने वर्गीकरण की बात की कि केस स्टडीज, हिस्टोरिकल रिसर्चेज, फिलोसफिकल रिसर्चेज, सर्वे स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज. एक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, जिसमें कि अप्लाइड रिसर्च, बेसिक रिसर्च और एक्शन रिसर्च है. मान लीजिए उन्होंने कहा कि एक अनुसंधान को विभिन्न रूपों में कितनी बार किया जा सकता है. तो मान लीजिए कि आपने एक अनुसंधान किया, एक छोटा सा रिसर्च, एक टाइटल था आपका इफेक्ट ऑफ मॉर्निंग वॉक ऑन ब्लड प्रेशर. कि मॉर्निंग वॉक एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना को उदाहरण ले रहे हैं सिंपल सा, कि मॉर्निंग वॉक का ब्लड प्रेशर पर प्रभाव, और आपने कानपुर में वो अध्ययन किया और उसमें आपने देखा कि ब्लड प्रेशर मॉर्निंग वॉक के बाद नॉर्मल हो जाता है, तो क्या जम्मू कश्मीर में भी करेगा तो सेम होगा? क्या अमेरिका में करेगा सेम होगा? क्या जर्मनी में करेगा सेम होगा? जरूरी नहीं है. इट मीन्स सेकेंड स्टडी मे बी रिपीटेड to find out the effect of morning walk on blood pressure of Jammu Kashmir personals, American personals, Germans. If the result of all these studies is same, yadi in sab adhyan ek hi hai, effect of morning walk on blood pressure, lekin alag alag climatic conditions mein, alag alag sthanon par, alag alag jagahon par ayojit kiya, if the results are same, yadi wo results saman aa jate hain, that becomes a theory, that becomes a principle, वो सिद्धांत की उत्पत्ति कर देते हैं. तो आपके लिए यही कहूंगा मैं कि जब तक कि एक अनुसंधान विभिन्न परिस्थितियों में आयोजित करके समान रिजल्ट ना निकल जाए और एक सिद्धांत की उत्पत्ति ना हो जाए, तब तक उस अध्ययन को विभिन्न रूपों में आयोजित किया जा सकता है. जी सर. सर एक प्रश्न है, शायद ये चूंकि मुझे भी लग रहा है कि ये वास्तव में प्रश्न है, आपसे पूछा जाना चाहिए. ये पवन बुनकर जी का प्रश्न है, क्या अनुसंधान की प्रक्रिया हमेशा जारी रहती है? देयर इज एन एंड ऑफ एनी रिसर्च इफ यू आर जस्ट गोइंग थ्रू. ये उस अनुसंधान की प्रक्रिया हमेशा जारी, एक प्रॉब्लम ली, उसका समाधान निकला, तो प्रक्रिया वहां खत्म हुई. इस प्रक्रिया ने नई प्रक्रिया को जन्म दिया, द प्रोसेस एंड्स. वो पर्टिकुलर प्रक्रिया समाप्त हुई प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, अब रीस्टार्ट हुई है, अगेन स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट्स, नई एक आरंभिक रेखा फिर प्रारंभ होगी. नहीं क्लियर हुआ? हेलो
जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। सर ये एक एक प्रश्न और भी है, ये नाम जस्ट वेट सर। सर हाउ कैन वी डिसाइड विच स्टैटिकल टूल टू बी यूज्ड इन लीगल रिसर्च एज इट डिपेंड्स ऑन सोशल इश्यूज वेयर सैंपल्स आर नोन एंड अननोन इन द सेम प्रॉब्लम। सैंपल्स आर नोन और अननोन, इसका उस बात से कोई, देयर इज नो रिलेशनशिप। दैट विल डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। वी हैव टू अप्लाई द स्टैटिस्टिकल टेक्निक एज पर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्टडी, कि व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर्मुलेटेड, किस प्रकार के उद्देश्यों का निर्माण किया है, वेदर दिस इज ए कंपैरेटिव स्टडी, यदि कंपैरिजन भी है तो दो ग्रुप के बीच में है, दो से अधिक ग्रुप में है, इज इट ए रिलेशनशिप स्टडी, इज इट ए कैटेगरिकल, इज इट ए स्टडी बाय टेकिंग ए कैटेगरिकल वेरिएबल्स। तो वो तो दैट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन एंड द ऑब्जेक्टिव द स्टडी, कि क्या विकल्प है। एक इमारत बनाते हैं ना, इमारत का डिजाइन होता है, उसी प्रकार से एक रिसर्च का डिजाइन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू अप्लाई और वी हैव टू सेलेक्ट द टेक्निक, वी हैव टू सेलेक्ट द स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू एनालाइज डेटा। थैंक यू सर। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम यदुनंदन चंद्रा जी, और थोड़ा सा टाइम का सर लिमिटेशन है। थैंक यू सो मच, प्लीज एक्सेप्ट अ स्मॉल टोकन ऑफ अवर एप्रिसिएशन विद अवर सिंसियर थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच। और मैं दीपाली जी से, मैं दीपाली जी क्षमा चाहता हूं, उन्होंने लिखा है कि सर आपने मुझे प्रूव कर दिया फूल, लेकिन वो तो एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था मैडम, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। यू पुट द एग्जांपल ना, दैट आई टुक अ इंटेलिजेंट अजम्पशंस, सो दैट्स व्हाई सी रोट आई थिंक। सर अब मैं अनुरोध करता हूँ डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी से, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, कि वह हमारे मुख्य वक्ता का और इस जूम पर और यूट्यूब पर उपस्थित हमारे सभी महानुभावों का धन्यवाद करें और साथ ही साथ इस व्याख्यानमाला के समापन की भी घोषणा करें। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी को। धन्यवाद सर।